नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के शमशान घाटों का जीर्णोद्धार होना है, जिसको लेकर शुक्रवार को नगर विधायक, निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी सीईओ ने नरियावली नाका, मुक्ति धाम और मोती नगर स्थित ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और इस शमशान घाट को स्मार्ट बनाने के लिए महानगरों की तर्ज पर विद्युत शव गृह बनाने की बात कही। नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा विद्युत शव गृह बनाने के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे इस मुक्ति धाम को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर में और भी शमशान घाट है, जिसकी जगह के बाद उन शमशान घाटों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस शमशान घाट में एक गौशाला भी बहुत जल्द खुलने वाली है, ताकि शमशान घाट में आने वाले लोगों को धार्मिक कामों के लिए गाय की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें गाय यहीं उपलब्ध हो जाए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। भाई साहब, आज आपने दौरा किया है शमशान घाट का, क्यों, किस कारण किया है? देखिए, सागर शहर के लिए बड़ी सुखद घड़ी आने वाली है। एक शुभ समाचार है कि पर्यावरण की दृष्टि से और अन्य तमाम सुविधाओं को देखते हुए इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम जो है सागर में बन रहा है, जिसको कहते हैं विद्युत शवदाह गृह, सागर में बन रहा है। उसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राशि आवंटित हो गई थी। 1,19,00,000 रुपए की राशि से इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम का निर्माण कार्य चल रहा है। जनवरी माह में हमारा ये निर्माण पूरा हो जाएगा, तो जनवरी से लोगों को में विद्युत शवदाह गृह की सुविधाएं सागर नगर वासियों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक नई शुरुआत जो है हम लोग कर रहे हैं। इससे पेड़ों को जो दोहन है उससे बचाव होगा और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा एक पहल है, ये बहुत स्वागत योग्य है। इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, हमारे समाजवादी चिंतक सम्मानीय रघु ठाकुर जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि सागर में विद्युत शवदाह गृह बनना चाहिए और हम लोग निजी रूप में पैसे इकट्ठे करके उसको बनाने का प्लान कर रहे थे। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हमने इसको ले लिया है और बहुत जल्दी हमारा वो विद्युत शवदाह गृह बन जाए। माननीय सागर जिले, सागर शहर में और भी कई शमशान घाट हैं, उनको भी सख्त ज़रूरत है, तो उनकी पूर्ति कब तक हो पाएगी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब ये समय की मांग है। और अभी चूँकि ये सागर हमारा संभागीय मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय में हम प्रयोग के तौर पर इसको लगा रहे हैं। ये सफल होगा और इसका उपयोग ठीक ढंग से होने लग जाएगा, क्योंकि लोगों को स्विच ओवर करना परंपरागत पद्धति से इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह पे स्विच ओवर करना भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लोग एकदम, क्योंकि अस्थि संचय नहीं होगा, अस्थि संचय ना होगा तो जो भारतीय परंपराएं हैं और हमारे जो विश्वास हैं उन विश्वास को ठेस लगेगी, तो लोगों को शने शने उसकी ओर ले जाने की आवश्यकता है। और एक बार लोग स्विच ओवर हो जाएंगे तब फिर बाकी शहरों में जो छोटे छोटे अन्य शहर हैं संभाग के और ज़िले के, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। दाह संस्कार में कुछ निःशुल्क रहेगा कि चार्ज लगेगा? नहीं, ये दाह संस्कार अभी तक जो हम लोगों की प्लानिंग है बिल्कुल निःशुल्क करने वाले हैं। इस पर निर्णय जो है नगर पालिक निगम को करना है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी इच्छा ये है कि ये निःशुल्क होना चाहिए। और दूसरा विषय और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी पिछली बार स्मार्ट में अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे कामों के भूमि पूजन और शिलान्यास किए गए थे, उसमें मैंने माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी से आग्रह किया था कि सागर के जो शमशान घाट हैं उनके कुछ अधूरे निर्माण कार्य हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं लेकिन अभी कुछ कम्प्लीट नहीं हो पाए हैं, उसके लिए हमने उनसे कुछ राशि मांगी थी, तो 1 करोड़ रुपए की राशि हमें मिलने वाली है। तो जो बाकी के बचे हुए काम हैं वो हम इसको करने वाले हैं। इसे एडजॉइनिंग जो बड़ी जगह है उस जगह में हम बड़ा पार्क बनाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं आके और पार्क का आनंद उठा पाएँ, तो वो पार्क हम लोग डेवलप करेंगे। जैसे आपका अमृत पार्क बन रहा है
इसमें तालाब से लगा हुआ, छोटे तालाब से लगा हुआ, वैसे ही हम अमृत पार्क की तर्ज पे एक सुव्यवस्थित और पार्क बनाएंगे ताकि लोगों की सुविधा में इजाफा हो पाए। गौशाला खोलने की आप कह रहे थे? जी, गौशाला बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्या होता है, गाय का हमारे इसमें अंतिम संस्कार के बाद जब हम खारी 80 संख्या के लिए आते हैं तो गौ माता की आवश्यकता पड़ती है, तो बाहर से गायें आती हैं और फिर कुछ अव्यवस्थाएँ फैलती हैं, तो हम गौशाला यहीं रखेंगे। तो जितना भी ये धार्मिक क्रियाएँ हैं वो हमारी गौशाला की जो गायें गौ माता होगी उनके माध्यम से हो जाएगा, और यहाँ पे रहने वाले जो केयर टेकर हैं उनके लिए आजीविका के लिए साधन बनेगा। तो एक गौशाला भी हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं, और इसका पूरे अपने शमशान घाट का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, उस मास्टर प्लान के हिसाब से हम सारी व्यवस्थाएं और सारा निर्माण कार्य उस हिसाब से करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि पंचकों में ये स्थान थोड़ा सा असुविधा होने लगती है, तो दो नए शेड भी हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, दो नए शेड जो हैं ताकि पंचकों में विशेष रूप से जगह की जो कमी आती है